कुरवाई में कांग्रेस पार्टी द्वारा नवाचार किया गया है, जिसमें भाजपा विदाई यज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञ का आयोजन विधि विधान से ब्राह्मणों और पंडितों द्वारा संपन्न कर आयोजित कराया गया है। भ्रष्टाचार, घुसखोरी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आहुतियां दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने विधायक और पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में कुरवाई के स्थानीय बस स्टैंड पर भाजपा विदाई यज्ञ और आम सभा का आयोजन किया गया। यहां यज्ञ में जन विरोधी मुद्दों की आहुतियां दी गई और आम सभा के माध्यम से वक्ताओं ने भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक और पूर्व विधायक को घेरा है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। चले जाओ, कहीं कोई विकास नहीं है। आपकी पूरे क्षेत्र की 3 लाख से ज्यादा आबादी है और ये कुरवाई का अस्पताल 100 मीटर दूर है। अस्पताल में अगर कोई 5 आदमी एक्सीडेंट होकर आ जाए तो वो 100% बिना रेफर किए जाएंगे या विदिशा रेफर किए जाएंगे। यहाँ पर उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो विधायक, जो पार्टी आपको इलाज ना दे पाए, ऐसे लोगों को क्या आप वोट देना चाहोगे? ऐसे लोगों को आप वोट नहीं देना चाहोगे। यहाँ पर जितने भी मामले हुए, मैं विधायक जी से इसलिए आपकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ कि जो शिक्षित बेरोजगार युवा बड़ी संख्या में आज चलकर आया है, विधायक जी के 3 बेटे हैं हरि सिंह सप्रे जी के, 3 बेटों के लिए इतना पैसा कूट के रख दिया, इतना अवैध संपत्ति कूट के रख दी, लेकिन इन गुरवाई के भोले वाले शिक्षित बेरोजगारों के लिए कहीं उद्योग धंधे स्थापित करवा देते विधायक जी तो ये आपको दोबारा वोट देते। लेकिन आपने अपने बच्चों को रोजगार दिया, अपने बच्चों को उद्योग धंधे दे दिए, लेकिन कुरवाई के इन युवाओं को उद्योग धंधे नहीं दे पाए। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि जो विधायक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।